किरण किरण बेटा जल्दी आओ ना नीचे, देखो मेहमान आ गए, नजमा अभी तक नहीं आई। मैं जा रही हूँ, बैठी हूँ मेहमानों के पास ड्राइंग रूम में। क्यों परेशान हो रही हैं? मैं नजमा खाला को फोन कर रही थी, बिल्किस खाला आ गई। हाँ अब वो आ गई, मैं उसे ड्राइंग रूम में बिठा के आई हूँ। अच्छा तुम जल्दी से तैयार होके आ जाओ। क्या बात है? हमारी बेटी कहाँ है? पता नहीं, शायद तैयार हो रही होगी, मैं बुलाती हूँ। हालांकि उसे जरूरत नहीं है तैयार होने की, माशाल्लाह इतनी प्यारी है वो। हो सकता है किसी और काम में लग गई हो, देर हो रही है ना, मैं खुद बुला के लाती हूँ उसे। बहुत जल्दी हार मान गई तुम तो यार, लेकिन मैं लड़ूंगा आखिरी वक्त। क्या हुआ अगर हालात आज मेरे मुखालिफ हैं? मैं अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ सकती। मेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरा रिश्ता तय हो चुका है, मेरी मंगनी है, आज सारे मेहमान मेरे घर पे बैठे हुए। दुख हुआ मुझे, बहुत दुख हुआ, और देखो जरा हैरान भी हो रहा हूँ कि तुम तो इतनी जल्दी हार गई। मुझे देखो, देखो मेरी आंखों में, अपने अम्मा अब्बा तक छोड़ दी, वो उस वीराने में जाके रहने लगा, अपनी अपनी जान की भी परवाह नहीं की मैंने, किसके लिए? हमारी इस बारे में बात हो चुकी है, वो लोग मुझे पसंद कर चुके हैं, कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ हो सकता है अगर तुम चाहो तो, अगर तुम चाहो तो। मना कर दो ने? कैसे मना कर दूं? क्या जवाब दूंगी मैं अपनी अम्मी को? बिल्कीस खाला क्या बोली? सारे मोहल्ले को पता है कि मेरी आज मंगनी है। ठीक है ठीक है, हम कोई भी बहाना कर देंगे, हजार बहाने होते हैं, बस तुम कह दो कि तुम्हें कोई पसंद है, जान छुड़ाओ उनसे, प्लीज। सब कुछ हो सकता है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, प्लीज। किरण आई अम्मी। खुदा के लिए फवा, खुदा के लिए अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना वो सारे इल्जाम सच हो जाएंगे जो तुम्हारी अम्मा ने मुझ पे लगाए। प्लीज मेरी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। ठीक है चला जाता हूँ, लेकिन वादा करो तुम उन्हें मना करोगी। नहीं फवा, मैं मना नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुमसे शादी ही नहीं करना चाहती, और अगर अभी अम्मी ने यहाँ तुम्हें देख लिया ना तो मैं अपनी जान दे दूँ। क्या कहा तुमने? क्या कहा? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? मुझसे? हाँ नहीं करना चाहती मैं तुमसे शादी, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगे तुम? जी अभी किरण, अच्छा मैं खुद ही बुला के ले आती हूँ। नाम करना चाहती हूँ मुझे, हमारी अम्मा ने भी यही किया था, तो ठीक है कर दो बदनाम तुम मुझे। तुमसे मोहब्बत करने की कुछ तो सजा मिलनी ही चाहिए। बदनाम? नहीं बदनाम करूंगा तुम्हें यार, थिंक सो। ये बात तो तय है किरण, ये बात तो तय है कि मैं तुम्हें बदनाम नहीं होने दूंगा, लेकिन हाँ ये बात भी सच है कि मैं किसी और से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। रिश्ते करने हैं तुमने, 10 रिश्ते करो, एक आध मंगनी भी कर लो, आई डोंट केयर, लेकिन तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी, सिर्फ मुझसे। Thank you.
चलो बेटा जल्दी नीचे बोलो। क्या बात है, ये उदासी क्यों? कुछ नहीं अम्मी, आपको छोड़ के जाने का सोचा नहीं था कभी। उन लोगों के सामने जाते हुए ऐसा लग रहा है कि वो लोग ना मुझे आपसे छीन के लेके जा रहे हैं। अरे मेरी गुड़िया, भला किसी की मजाल जो मुझसे मेरी बेटी को छीन ले, हो ही नहीं सकता ऐसा। अच्छा मेरी बात सुनो गुड़िया, ये तो हर बेटी के लिए ना उससे जाना होता है। बस अब उदासी खत्म, मुस्कुराते हुए नीचे चलो। डॉक्टर फहद, आप कहाँ चले गए थे बगैर बताए? डॉक्टर अमजद आपको कब से ओटी में बुला रहे हैं, बेड नंबर 3 का पेशेंट है ना, उसकी हालत इतनी क्रिटिकल है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज जल्दी आए प्लीज। कहां थे आपको पता है हमारे स्टाफ के 2 डॉक्टर्स छुट्टी पर हैं, मैं इस गैर जिम्मेदारी की वजह जान सकता हूं? सर एक इमरजेंसी हो, हॉस्पिटल की इमरजेंसी भी आप ही की जिम्मेदारी है डॉक्टर फवाद। पेशेंट का अपेंडिक्स पंक्चर हो गया था, ही कुड हैव डाइड इफ आई वाज नॉट हियर। रियली सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, आई एम रियली सॉरी, प्लीज। Marley is out of danger now. आप आज रात पेशेंट के साथ स्टे करेंगे, उनको SVT भी है तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मैं नर्सिंग स्टाफ पे भरोसा नहीं कर सकता। थैंक यू। देखा किरण, सब कुछ माशाल्लाह साथ खैरियत के निमट गया। रशीदा के लाख बुरा चाहने के बावजूद भी हम लोग उन्हें पसंद आ गए। पता नहीं रशीदा आंटी मुझसे क्यों इतनी नफरत करती हैं। दफा करो, मनहूस लोग होते हैं ऐसे भाई, दूसरों को तकलीफ देके खुश होते हैं। वो अपने बेटे का बदला ले रही है हमसे, समझ रही है कि हमने उसे उकसाया इस जिद पे। खैर समझती है तो समझती रहे, हम क्या करें। मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। अम्मी हाँ, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो, क्या बात करनी है? जब आप लोग नीचे ड्राइंग रूम में थे ना और मैं अपने रूम में, हाँ जब तुम तैयार हो रही थी कमरे में, तो कब फवाद आया था? पता नहीं क्या हो जाता है, मैं वो वसीफा मुसलसल पढ़ ही नहीं पा रही। किनौत अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है हसरत बीबी। मैंने कहा था ना, वो इतनी आसानी से काबू नहीं आएगा। देखेंगे उसकी ताकत ज्यादा बड़ी है या मेरी हिम्मत। तो मुझे पड़ोस के लड़के के बारे में बताओ। वो उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता है हसरत बीबी। मोहब्बत को नफरत में बदल दो। उसकी माँ उस जोड़े के साथ सरासर जुल्म कर रही है हसरत बीबी। दिलनवाज, तुम ये सारी बातें कब से सोचने लगी?
जैसा कह रही हूँ वैसा करो। जो आपका हुक्म हजरत बीबी। लड़के के जहन से लड़की का ख्याल तक मिटा दो। दिलनवाज, मोहब्बत को तो मोहब्बत से ही काट सकते हैं। उस लड़के के दिल पे कब्जा कर लो। जी हजरत बीबी। हाँ लेकिन मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, अपना सबसे पुरअसर जादू इस्तेमाल करो। कुछ ऐसा कर दो कि वो लड़का तुम्हारे अलावा और कुछ सोच ना सके।